हेलो दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे लैपटॉप से की पैड मोबाइल में सॉन्ग कैसे डालें हैं ठीक ना तो उसके लिए आपको यहाँ पे दो चीज सॉरी एक चीज जरूरत पड़ता है अब अपना चार्जर का जो एस वी केबल है वो आपको यहाँ पे काम पड़ता है ठीक ना तो एक चीज ये होना चाहिए और जो ये सी टाइप का नहीं होना चाहिए ठीक है ना ये आप देख सकते हैं जो पुराना वाला जैसे कोड होता है ना सैमसंग वगैरह का तो उस तरह यहाँ पे कोड होना चाहिए सी टाइप का इसमें नहीं चलेगा ठीक है ना तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतर इतना सारे की फोन है तो उसमें सी टाइप का जो कनेक्टर है वो नहीं मिलता है ठीक है ना तो उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपको बताते हैं चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो है इसका जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को हम यहाँ पे अपना की फोन में लगा लेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं और जो दूसरा सिरा है ये आप ये जो देख सकते हैं ये जो सिरा है ये अपना लैपटॉप पे हम लगाएंगे तो इसे हम अपना लैपटॉप पे लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो सिरा था इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं लैपटॉप में और जैसे यहाँ पे लैपटॉप में हम लगाएंगे तो एक परमिशन आएगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगा दिया है जैसे यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे एक परमिशन आएगा यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्जिंग और एक यू डिस्क तो आपको यहाँ पे एक बार नीचे लाना है और यहाँ से ओके कर देना है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप ओके कर देंगे तो आपका लैपटॉप आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है अब आपको माई फोल्डर से खोल सकते हैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जो फोल्डर है इसे खोल लेता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि आपको यूएसबी ड्राइव लिखा हुआ आएगा यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें आपका इसमें जो मेमोरी कार्ड जितना जीबी के आप लगाए होंगे इस फोन में उतना जीबी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा अभी आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एल शो हो रहा है यहाँ पे एल और इसमें एक एम तो देखिये ये जो है मात्र ये चौतीस के बी का है ये मतलब आपका कीपैड फोन का ये डिटेक्ट कर रहा है और ये जो मेमोरी कार्ड इसमें जो है आपका कीपैड फोन में वो यहाँ पे सो रहा है तो देख सकते हैं वन पॉइंट एट जी बी मतलब दो जी बी का है जिनमें से एक जी बी यहाँ पे भरा हुआ है जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाता है तो अब आपको जहां भी आपका फाइल पड़ा हुआ है जहां भी आपका सॉन्ग रखा हुआ है एम पी थ्री वगैरह जहां भी रखा हुआ है उसे डायरेक्ट आप ओपन कर लेंगे इस तरह जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहां पे रखा हुआ है तो यहाँ पे इतने सारे सॉन्ग आपका रखा हुआ है उसे यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे यहाँ पे इस तरह कॉपी कर लेंगे यहां से इस तरह कॉपी करने के बाद और यहाँ पे आपको बैक आ जाना है और फिर से आपको उसी जो एस बी एम लिखा हुआ है उस पर जाना है और यहाँ से पेस्ट मार देना ऐसा राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट मार देना है यहाँ पे देख सकते हैं जो पेस्ट है इस पेस्ट को आप क्लिक मार देंगे तो आपका इसमें सॉन्ग चल जाएगा तो इस तरह आप किपेड मोबाइल में लैपटॉप से सॉन्ग को भर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा इससे और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दीजिएगा साथ में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथ ही धन्यवाद